सो म्यूचुअल फंड में आप कैसे निवेश करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सो आप जान लिए कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड का एलिमेंट्स क्या है, SIP क्या है, लार्ज कैप मिड कैप क्या है। आप चाहते हैं कि आप निवेश करें, आप चाहते हैं कि मैं आप कैसे इन्वेस्ट करें। सो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें, आपको इस वीडियो पे सारी जानकारी मिल जाएगी। सो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आप कैसे निवेश कर सकते हो, राइट? सो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी निवेश करने के आगे, वो है कि आपको जो फॉर्मेलिटीज़ है KYC की, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब KYC कितनी टाइप की होती है, KYC आप कहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको विस्तार में समझा देता हूँ। सो 3 टाइप्स की KYC होती है। अभी 2 टाइप की थी लेकिन मैंने एक इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले EKYC आता है, राइट? सो EKYC आप जो म्यूचुअल फंड कंपनी से उसके वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर आपको EKYC ऑप्शन मिलेगी। EKYC सिर्फ आपको आधार कार्ड नंबर पुट करने पड़ेगी और आपको कुछ नहीं चाहिए। एक OTP आएगी आपके फ़ोन नंबर पे, अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, उस OTP को आपको पुट करनी पड़ेगी एंड विद इन कुछ आवर्स या कुछ डेज में आपका KYC कंप्लीट हो जाएगी। सो EKYC में आप सालाना एक म्यूचुअल फंड हाउसेस में 48,000 से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। सो मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड में एक साल के अंदर आपको 1,00,000 इन्वेस्ट करनी है, सो आप उस ई के वाई सी से आप नहीं कर सकते। आपको 48,000 लिमिटेशन है अगर आप EKYC करते, राइट? सो आई होप आपको EKYC समझ में आ गई होगी। आप नंबर 2 में जो आती है वो KYC, राइट? KYC में आप जितना मर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन KYC अगर आपको करवानी है सो आपको फिजिकली जिस कंपनी में आपको निवेश करनी है, सपोज़ मान लीजिए कि DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करनी है या SBI म्यूचुअल फंड कंपनी में आपको निवेश करनी है, सो उसके जो ऑथराइज ब्रांचेस है वहाँ पर आपको जानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी पड़ेगी, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, फोटोग्राफी, ये सब आपको लेके जानी पड़ेगी। फिजिकली आपको प्रेजेंट रहनी पड़ेगी अगर आप KYC करते, राइट? सो ये था KYC। EKYC हम लोग जान लिए, EKYC हम लोग जान लिए। अब हम लोग जान लेते हैं पेटीएम KYC, राइट? पेटीएम ने अपना एक खुद का ऐप लॉन्च किया जिसमें आप पेटीएम ऐप से, पेटीएम मनी बोल के जो ऐप है उससे आप निवेश कर सकते हैं, राइट? सो उसमें आपको पेटीएम ऐप थ्रू आप KYC फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने पड़ेगा, आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फोटोग्राफी अपलोड करने पड़ेगा, आपको एक शॉर्ट वीडियो भी उसमें डालनी पड़ेगी 10 to 15 seconds आई गेस की, आपका नाम बताना पड़ेगा कि मैं KYC वेरीफिकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो बस 10 seconds की आपको करनी पड़ेगी। सो ये था 3 प्रोसीड्यूर जो जिससे आप KYC कर सकते हैं। अब नंबर 2 जो निकल के आती है वो है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। अब आपको डायरेक्ट प्लान में निवेश करनी है, रेगुलर प्लान में निवेश करनी है, ठीक है? सो डायरेक्ट प्लान में अगर आपको निवेश करनी है तो डायरेक्ट प्लान में आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद से आपको आपका जो फंड है उसको मॉनिटर करनी पड़ेगी, खुद से आपको फ़ंड चूज़ करने पड़ेगा। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा कि आप इस फंड को चूज़ कीजिए, उस फंड को चूज़ कीजिए, जो भी करनी होगी आपको खुद से करनी पड़ेगी, राइट? सो अगर डायरेक्ट प्लान में आप करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करोगे, राइट? ये सवाल आपके इस दिमाग में आ रही होगी। तो आप 2-3 तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। नंबर 1, आप जो उसका वेबसाइट है, जो म्यूचुअल फंड के जो ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन में जाके मान लीजिए कि आपको कोटेक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है, सो कोटेक www. जो उसका वेबसाइट होती है, कोटेक AMC या कुछ समथिंग लाइक कुछ है, सो उस वेबसाइट में जाके जिस फंड में आपको निवेश करनी है आप ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं, ठीक है? ये नंबर 1 हो गया। एंड नंबर 2, आप ऑथोराइज सेंटर में जाकर भी, जो कोटेक म्यूचुअल फंड है या SBI म्यूचुअल फंड है, उस सेंटर में जाके जो ऑथोराइज सेंटर है वहाँ पर जाके भी आप अपना बोल सकते हैं कि इस फंड में आप निवेश करना चाहते हैं, सो वहाँ पर जाकर भी आप निवेश कर सकते हैं। सो डायरेक्ट फंड में जो आपका बेनिफिट आपको मिलेगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डायरेक्ट और रेगुलर फंड की बेनिफिट लिमिटेशन क्या है, फिर भी मैं यहाँ पर भी विस्तार में समझा देता हूँ। सो डायरेक्ट प्लान में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका ब्रोकरेज चार्ज या जो कमीशन होती है वो नहीं लगेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी। नंबर 2 जो निकल का आती है वो है रेगुलर प्लान या एडवाइजरी। अगर आप किसी एडवाइजर के थ्रू जाना चाहते हैं या कोई ब्रोकरेज के थ्रू जाना सकते हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप निवेश कर रहे हैं, उसको एक ब्रोकरेज कमीशन चार्ज आपको देनी पड़ेगी, राइट? सो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करनी नहीं पड़ेगी, आपके बिहाफ पे आपका जो ब्रोकरेज है, आपका जो एडवाइज़र है, वो आपके बिहाफ पे सब फॉर्मेलिटीज़, फंड चूज़ करना वो कर देगी आपके लिए। लेकिन जो लिमिटेशन है रेगुलर प्लान में वो है कि
सपोज मान लीजिए कि आप 15 साल तक निवेश करना चाहते हैं, सो 15 साल तक आपको उस ब्रोकरेज को कमीशन देनी पड़ेगी। सो ये एक लिमिटेशन है, काफ़ी लिमिटेशन है, वन टाइम नहीं है कि एक बार आपने उसको दे दिया तो और आप नहीं दे सकते। सो रेगुलर प्लान में ये है कि आपको एडवाइज़र को कमीशन देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, एडवाइजर फीस। सो ये था कुछ डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में, किस तरह आप निवेश कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।